नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आजकल एक आम प्रचलन हो गया कि लोगों में अपनापन बहुत कम हो गया। जिससे काम होता उसके तो आगे पीछे, और जिससे काम निकल जाता फिर तू कौन और मैं कौन, फिर जा तक अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करता कि इसका इतना काम किया, अब इसने जू एंड थ्रो वाली बात कर दी तो आपका कोई जूज ना कर सके, आपको कोई मूर्ख ना बना सके। इसके लिए आपको मंगल से जो दशम भाव है उसको सक्रिय करना पड़ेगा। देखिए कैसे सक्रिय करेंगे। प्रत्येक भाव पर चर्चा करते हैं कि मंगल लगन यानी पहले भाव में विराजमान, तो इससे जो दसवां भाव हो गया वो दसवां ही होगा। तो लोग आपका गलत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आपको एक तो अपने पिताजी से धन उधार लेते रहना चाहिए, चाहे 10, 20, 50 जितनी उनकी क्षमता उतनी ही लीजिए, लेकिन लेते रहिए। दूसरी बात कि अगर आपके पास पावर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अधिक शक्तियां नहीं है तो उन लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना जिनके पास अधिक शक्तियां पॉलिटिक्स में आ गए हैं या आपके बड़े सरकारी ऑफिसर हैं, तो आपका दसम भाव सक्रिय होगा तो कोई भी आपको जूझ नहीं कर पाएगा। दूसरा भाव में मंगल हो, इससे दसम भाव बनता है भाई ग्यारहवां। दूसरे भाव में मंगल हो तो ग्यारहवां भाव, जब इससे दसम भाव बनता है, इसको सक्रिय कैसे करें? इसको सक्रिय करने का सबसे अच्छा ढंग ये है कि अपने जीवन में ईमानदारी लेकर आए। जितनी अधिक ईमानदारी होगी उतनी ही अधिक आप जीवन में तरक्की करोगे। किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचे भी ना, तो प्रकृति आपका बहुत साथ देगी। और कोई आपको गलत रास्ते पर नहीं लेकर जा सकेगा। तीसरा भाव, तीसरे भाव में मंगल हो, इससे दशम बनता है बारहवां भाव। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है जब तीसरे भाव में मंगल हो? भाई बहनों के साथ तो आपके संबंध इतने अच्छे नहीं होंगे, मगर जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते रहना। जब बुजुर्गों की सेवा करते रहोगे तो उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। जिस बुजुर्ग की आपने सेवा की हो, मरने के बाद उनकी अच्छी आत्माएं आपके अंग संग रहेंगी, और कभी भी आप बड़ी मुसीबत में हो आपको मुसीबत में से भाई निकालेंगी। भाई बहनों का
अगर आपसे निराज होते हैं बिना किसी बात के, तो निराज होने दीजिए, मन पर अधिक वजन नहीं डालना। चौथे भाव में मंगल विराजमान हो, इससे दसम भाव बनता है लगन का भाव। तो जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, हासियत बढ़ाने के लिए आपको अपनी ड्रेस टिप टॉप रखनी पड़ेगी, और गुब्बारा जैसे फूला होता है वैसे बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी, और जो आपसे मदद मांगने आए जितनी आप में क्षमता है उसकी मदद करें, तो भाई आपका लगन का भाव मजबूत होगा। लगन ऑल इन ऑल है, और चौथा भाव आपके सुख का है। तो जब इस तरह से आप लगन को मजबूत कर लोगे तो जीवन में सुख की भी भाई वृद्धि होगी। पंचम भाव में जब मंगल विराजमान हो, तो पुत्र अगर दूसरी संतान हो तो अधिक अच्छा, पहली संतान कन्या हो तो भाई अधिक अच्छा। जब पंचम भाव में मंगल आता है तो इससे जो दसम भाव है वो बनता है दूसरा भाव, धन का भाव। तो आपको कोई जूझ ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, दूसरों को आप जल्दी समझ सके, इसके लिए दूसरे भाव को सक्रिय करना बहुत आवश्यक है। कैसे होगा? धन संचित कीजिए, जितना धन हो सके संचित कीजिए, और जो आपके खानदान के लोग हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रहिए। बुरे संबंध अगर बन गए एक बार तो भाई सभी को प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा दूसरा भाव आपकी वाणी का, वाणी पर कंट्रोल। तर्क वितर्क सबके साथ करोगे तो दुनिया दुश्मन बन जाएगी। अन्याय होता देखो, अगर बिना मतलब के बीच में फंस गए तो भाई बुरा फंसोगे। अगर आपके किसी मित्र के साथ हो रहा है तो बात अलग है, आपको बीच में आना चाहिए। छठा भाव, छठे भाव में जब मंगल विराजमान हो जाए, इससे दसम भाव बनता है तीसरा भाव। तो भाई तीसरे भाव को कैसे एक्टिवेट करें? हमेशा एक्शन मोड में रहें, आलस को त्यागें। जितनी मेहनत करोगे चाहे कितना ही पैसा आ जाए आपके पास, वो एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन जितनी आप मेहनत करोगे उसका फल आपको उससे अधिक ही मिलेगा। और छठे भाव में मंगल, पेट का ध्यान रखना है, इंटेस्टाइन का ध्यान रखना है, बाहर का खाना पीना कम खाना है। वैसे हमारे शास्त्रों में छठे भाव में जो मंगल है उसको राजयोग कारक लिखा गया है, लेकिन जब दूसरा भाव भी मजबूत हो गया तो धन के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो, अच्छी स्थिति है आपके प्रोफेशन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छा है सप्तम भाव में मंगल। सप्तम भाव में मंगल हो, इससे दसम भाव बनेगा आपका ये चौथा भाव। तो चौथे भाव को हमने सक्रिय करना है। चौथा भाव सुख का भाव है, पब्लिक डीलिंग का भाव है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी जो कामनाएं हैं उनका भाव है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं
उनका भाव है। तो जब भी सप्तम भाव में मंगल हो तो कभी अपनी माता जी से कोई लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, कितने पैसे आ जाए मेहनत करते रहिए, ये नहीं कि बहुत कर दिया। हमें जो शरीर मिला है काम करने के लिए ही मिला है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक ही सभी बातें अच्छी लगती हैं। तो जितनी आप में क्षमता है उतना आप काम कीजिए, यही आपकी सफलता की निशानी है। और दूसरे लोग आपको जूझ नहीं कर पाएंगे। अष्टम भाव में मंगल क्या चमत्कार दिखाता है, देखिए। अष्टम से जो दशम भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। जातक को संतान के लिए एफर्ट्स तो करने चाहिए, पशु पक्षी भी अपने बच्चों के लिए बहुत एफर्ट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो जब अष्टम भाव में मंगल होता है तो सीधा असर पंचम भाव पर पड़ता है। एक तो जिनके साथ आपके गुप्त रिलेशन है और वो आपकी बहुत सहायता करते हैं, उनको आप गुप्त ही रहने दीजिए। पंचम भाव की वृद्धि करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, किसी से नुक्ताचीनी नहीं, किसी से बहसबाजी नहीं, तो आप जीवन में बहुत कामयाब और बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। और एक बात बता देना चाहता हूं, अष्टम भाव में मंगल हो तो भाई अपने बच्चे को बाइक वगैरह थोड़ी बड़ी उम्र में लेकर देना, तो आपको बच्चे को भी लाभ रहेगा और आप भी चिंता मुक्त रहेंगे। अगर नवम भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो इससे जो दशम भाव बनता है वो बनता है आपका छठा भाव। तो आपको क्या करना है ताकि समाज में इज्जत हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो। दशम मंगल बहुत अच्छा माना गया। जब दशम भाव में मंगल हो तो जो आपके शत्रु हैं उनके साथ अधिक लीनियंसी नहीं दिखानी, और जहां तक हो सके शत्रुओं का भाई नाश कीजिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाइए, लेकिन उनका नाश करना आवश्यक है। तो जब नवम भाव में आपके मंगल हो, इससे दशम भाव छठा बनता है, दुश्मन नाश और कम से कम लोन लें। ऋण आपने लेना ही नहीं, अगर आवश्यकता हो तो कम से कम लोन लें और वक्त रहते उसको उतार दें, तो आपका ये भाव छठा सक्रिय हो जाएगा। दशम भाव, दशम भाव में मंगल विराजमान हो तो दशम से दशम सप्तम भाव बनता है। सबसे जो आवश्यक बात कि जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हैं, और अगर साझेदारी में कोई काम है अच्छा चल रहा है, और इसके अलावा आपके पास सरकारी नौकरी भी है। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं
कि सप्तम भाव में मंगल हो। जातक के पास इनकम के एक से अधिक साधन होते हैं, तो आपको क्या करना है कि अधिक ढोल नहीं पीटना, और जो आपका जीवन साथी है उसको खुश रखने की कोशिश करें, और कोई कोर्ट केस है उससे बिल्कुल ना घबराएं। कोई कोर्ट केस हो रहा है तो उसको होने दीजिए, हमने उसका जवाब देना है, वो हमारा वकील दे देगा। अधिक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पर कोई कोर्ट केस हो जाए। ग्यारहवें भाव में मंगल, ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो इससे जो दसम भाव बनता है वो अष्टम भाव बनता है, बहुत ही रहस्यमय भाव। ग्यारहवां भाव लग्न का शत्रु होता है, तो ग्यारहवें भाव में जो ग्रह है वो थोड़ा कम फल देते हैं। आप कहोगे कि सर किताबों में तो लिखा है कि सभी ग्रह ग्यारहवें भाव में अच्छा फल देते हैं, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा कम फल देते हैं। तो जब ग्यारहवें भाव में आपके मंगल विराजमान हो जाए तो गुप्त शक्तियां भी आपका साथ देंगी और बहुत से लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो ग्यारहवें भाव के मंगल को सक्रिय करने के लिए आपको सिर्फ भाई एक तो जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है उनका ढोल बिल्कुल ना पीटे, उनको गुप्त रहने दे, और बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करें। बारहवां भाव, बारहवें भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो इससे दसम भाव बनेगा नवम भाव। नवम भाव भाग्य का भाव है, तो भाग्य कैसे सक्रिय करें ये अब मेन मुद्दा। एक तो धार्मिक संस्था में जहां आपका जाने का मन है वहां एक दिन छोड़कर दो दिन छोड़कर हफ्ते में एक बार अवश्य जाएं, जहां पर आपका इंटरेस्ट है। दूसरा, आपके जो घर के पास किसी ने कोई जमीन दे दी तो उसका कुछ हिस्सा दान कर दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बारहवें भाव का मंगल मंगलिक भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि अगर शुक्र गुरु वगैरह की दृष्टि हो तो मंगल जातक को अच्छा फल ही देता देखा गया। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में मंगल जातक को किस तरह उसकी बदनामी से बचाता है। जातक कितना भी शरीफ है कितना भी गुंडा है ये तो भाई शनि महाराज जाने। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।